फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करना हूँ आई कंफर्ट जो सेटिंग होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाइट मोड के बारे में बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास जो फ़ोन है वो है रियलमी का। रियलमी के किसी भी डिवाइस में नाइट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आई कम्फर्ट दिखेगा, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसको ऑन करना तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और इसको चाहते हैं ऑफ़ करना तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद एक और फीचर्स होता है, इसको आप लाइटिंग कंडीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, वो भी नाइट मोड वाले फ़िल्टर में। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर टाइम भी शेड्यूल कर सकते हैं कि कितने बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और कितने बजे ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाए। बट ये टाइम शेड्यूल वाला मैं नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट वाला यूज़ करता हूँ, और इसको मैं अपने कंडीशन के हिसाब से सुबह ऑटोमेटिकली बंद भी कर लेता हूँ। तो गाइस, इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं, ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।